वेलकम बैक टू माय ट्यूचर जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं। मैं आपको कल से रेगुलर क्लासेस चलाऊंगा, उसके साथ ही साथ आज मैं जो क्लास लेकर के आ रहा हूं वो आपके ग्रुप डी RRC ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग 95% यूट्यूबर जो आपको बताते हैं कि RRC ग्रुप डी में ए आ रहा है, RRC ग्रुप डी में वो आ रहा है, जितने भी क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो प्रिय साथियों, मैं सबसे पहले आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि वास्तव में एग्जाम में कुछ आ कुछ और रहा है। मैं और आपके पवन निगम सर दोनों आज एग्जाम सेंटर पर कर पहुँचे हम, तो हमें वास्तव में पता चला वहाँ से कि एग्जाम में आ कुछ और रहा है और बच्चों को बताया कुछ और जाता है। तो सबसे पहले मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ कि दिक्कत कैसे आ रही है। मान के चलिए कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, वहाँ पर लिखा हुआ है √26, अंडर रूट का आपका 26। अब जब टीचर उसको सॉल्व करा रहा है तो उसी क्वेश्चन को वो लिख दे रहा है कि √36। अब प्रिय साथियों, 36 में से हमें पता है कि 6 निकल के क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, लेकिन क्या 26 में से भी हम इतना आसान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बस इतना ही अंतर है। इसीलिए आपको गुमराह किया जा रहा है। तो इसी के साथ साथ हम आपको कल से ये भी बताएंगे कि वास्तव में ग्रुप डी में क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। बच्चा जो भी आ रहा है वो RRC का एनालिसिस देख रहा है। हम आपको कल से बताएंगे कि आप वनडे एग्जाम में क्या देख सकते हो, क्या आपको पढ़ के जाना चाहिए। आपके पास एक दिन का समय है, 2 दिन का है, 10 दिन का है, किसी के पास 20 दिन का समय है, तो उन दिनों में उसको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वास्तव में एग्जाम टफ है आपका, RRC ग्रुप डी का एग्जाम आपका टफ आ रहा है। जिस प्रकार से एग्जाम आना चाहिए, एग्जाम टफ होने की वजह से आपकी कट ऑफ 60 के समथिंग जाएगी। ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, एग्जाम टफ जा रहा है, इसलिए आपकी जो मैक्सिमम कट ऑफ होगी वो 70 होगी, 70 जनरल वालों की होगी। इसलिए अभी मैं कट ऑफ पर बात ना करके सबसे पहले यही बताऊंगा कि कल से आपका RRC ग्रुप डी एग्जाम का सेंटर से एनालिसिस होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में ग्रुप डी में किन किन क्वेश्चनों का समावेश हो रहा है, जिन क्वेश्चनों के आधार पर आप वास्तविकता को RRC ग्रुप डी की जानते हुए अपने प्रैक्टिस को, अपने क्वेश्चनों को मजबूत कर सकें, क्योंकि दिक्कत यहीं पर आ रहा है। करंट में क्या रहा है आपका, साइंस क्या कह रही है आपकी, तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम आपको कल से RRC ग्रुप डी का एग्जाम एनालिसिस कराएंगे, सेंटर से चलेगा आपका है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वास्तव में क्वेश्चनों को आप एग्जाम सेंटर से एनालिसिस देखिए, चाहे आपको 20 क्वेश्चनों की जगह 10 क्वेश्चन मिले, क्योंकि जब यूट्यूबर ज़्यादातर जो टीचर करा रहे हैं, लगभग मैं किसी को बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आपके भविष्य के लिए कि वास्तव में अब मान के चलिए 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आ रहे हैं, अगर 25 क्वेश्चन यदि आपके मैथ के आ रहे हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन तो ईजी थे भाई, 15 क्वेश्चन तो ईजी थे, लेकिन वो 10 क्वेश्चन ना तो बच्चे को याद रहते हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर तक तो याद रहते हैं उसे भर तक, उसके बाद बच्चा भूल जाता है भेजते भेजते, तो ना तो 15 क्वेश्चनों को कोई भी टीचर कराता है और ना ही वो स्टूडेंटों को याद रह पाते हैं। तो जो 15 क्वेश्चन है उसके बेसिस पर बच्चे तैयारी करने लग जाता है, लेकिन वास्तविकता ये कि 10 क्वेश्चन आपके और आ रहे हैं जो बच्चे को याद ही नहीं रहते। इसलिए अपनी रणनीति को बेहतर करिए। इसी के साथ साथ हम आपके लिए इतना ही काफ़ी, मैं आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले कल से हमारा जो ग्रुप डी RRC ग्रुप डी का एग्जाम एनालिसिस होगा उसे आप जरूर देखिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी।